तुम्हारी स्टाइल तुमको बताया गया अभी नहीं तो बताया मेरे आगे। बनने लग गया दोस्तों हलवा, बनाने वाले हैं माने चाचा। दीदी लोग और भाभी लोग भी आ गई हैं अब खाना खा के बर्तन वर्तन साफ करने के लिए। हेलो दोस्तों नमस्ते, पहला स्वागत है दोस्तों आपका एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ गोलू मंदिर में, आज है फग्गू भाई की पूजा। गोलू मंदिर, कांसण मंदिर, गंगनाथ मंदिर और एड़ी मंदिर में है दोस्तों फग्गू भाई की पूजा, और जाने के लिए मैं भी हो गया हूँ तैयार। अभी मेरे को पापा के बर्तन ले जाने, यार पुजारी पापा ही है, पापा बोले तो बर्तन लेके आना। दोस्तों अंजलि भी चली गई है स्कूल और गोलू भी तैयार हुई है स्कूल के लिए, और राहुल भी तैयार हुआ है कंप्यूटर में, पता नहीं क्या कर रहा दोस्तों राहुल, वो भी अपना होमवर्क अपना काम कर रहा होगा। और मेरी मम्मी भी बैठी है, मम्मी सेक रही है धूप, और भगू भाई का घर है नीचे ही और देख रही है मम्मी, ढोल बजा के है दोस्तों पूजा भगू भाई की। कोई काम था बन जाए, मम्मी ने दोस्तों सुबह सुबह लगा रखा है टीका, और बच्चे भी लगे हैं इधर किताब पढ़ने में। गोलू पढ़ा रही है यीशु को, और ये माही पी रही है दूध और कर रही है सुबह का नाश्ता। तो सुबह के 8 बजे हैं, 8 बजे का कुछ ऐसा नज़ारा है। मौसम भी आज साफ है, आसमान पूरा साफ है दोस्तों, अच्छी खासी है आज धूप, पूरे गांव में धूप आ गई है। और आज दोस्तों बकरी चराने के लिए जाएगी मेरी बुआ। पूजा भी हो ही गई है तैयार, मंदिर के लिए जाने लग गई है। गया हूँ दोस्तों गोलू मंदिर में, जय हो गोलू देवता।
दोस्तों चाय वाय पीने के बाद में अब होने लगी हमारी खाने बनाने की तैयारी। आज दोस्तों आटा गूंदने वाले हैं गणेश भाई और नई स्टाइल से आटा गूंद रहे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों गणेश भाई ने आटा भी गूंद दिया है। आटा कैसा हो रहा है भाई? बहुत बढ़िया गणेश भाई। तो स्टाइल तुम लोगों को बताया गया? अभी नहीं तो बताया मेरे आगे। हाँ दुगड़ो यार गड़े को उन्होंने तुम लोगों को अभी किसी किसी बोलो को भी देख लो यार एक घान बोले वो टमाटर देसी लग नहीं है। तो ये खट्टू हो यार टमाटर पत्ता ना कच्ची मंगाई है लो मीठे लीजिए तो वो वाले टमाटर हो। तो साल को ये चीज़ें जानकारी नहीं होने लगे यार। ये तो सब्जी टमाटर वो एकदम होगा खराब कर दो लो। दोस्तों भोग की भी हो गई है तैयारी, पापा बनाने लग गए हैं पूरियां भोग के लिए। तो आज पूजा में ना सब्जी बनाने वाले हैं गोलू भाई और मीट बनाने वाले हैं देवन भाई। ये हमने यार दो उस्ताद ने दिल्ली से बुला रखे हैं। दोस्तों गोलू भाई ने आलू भी काट रखी है, गोभी काट रखी है, आलू गोभी की बना रहे हैं सब्जी। मसाले हो गए तैयार और मीट बनाने वाले हैं देवन भाई। दिल्ली से आए थे दोस्तों, आज पूरे गांव वाले हैं खाने वाले इधर गोलू और कासण मंदिर में। तैयारी भी हो गई है, खाना भी हमारा बन गया है, गांव वालों के लिए पूरियां भी बन गई है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवादात्री स्वाहा सदा नमते ओम ईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे आदिशक्ति भगवती भुवनेश्रीका जगदम्बी दुर्गा देवी नमः। जगदम्बिकाय नो दुर्गा देवी नमः। नमः संभवाय च मयोपवाय च नमः। शंकराय च महेशकराय च नमः। शिवाय च हौ शिवत्राय ओम श्री शाम सदा शिवाय नमः। करह पलित कपाल कुंड रह दंड पाणि सुनील व्या निज्ञपोति समस्वर्वा विघ्न विचीर हेतु दिपटुक नाथ सिद्ध दहुषादिका नाम ओम श्री बम पटुक भैरवाय अष्ट भैरवाय काल भैरवाय नमः। भैरवाय नमो नमः। भैरव देवाय नमः। भैरवाय नमः। नमाम पूजने तो ब्रह्मा के लिए पात्रम तत्र बाहु चामीकरम चारुगात्रम जिगत्राण हितम रिपुम धूम्रकेतम तथा सत्यनारायणम सोमदेवम ओम श्री सत्यनारायण देवाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। चलदिया ओम ब्रह्माणी कमलेन्द्र स्वामी उदनाम भाई सती दिया कौमारी हाथ जोड़ा नमस्कार नमः। बनने लग गया दोस्तों हलवा, बनाने वाले हैं माने चाचा। दोस्तों
दोस्तों भोग भाई की पूजा भी हो गई है और खाना खाना भी खा लिया, खाना खा के जाने लग गया हूँ दोस्तों घर। और मेरे हाथ में है गगरी, इससे मेरे को भर के लेके जानी है अपने गांव के पुश्तानी पानी के धारे से। दोस्तों पानी पानी भरने का भी मौका नहीं मिलता यार दोस्तों, अब घर घर में पानी हो गया। हमारे घर में भी तीन जगह से पानी आता है दोस्तों, तीन टोटियाँ रखी हुई है घर में, हर चीज़ की पानी की कोई समस्या नहीं है। तो वो दोस्तों यार पानी भरने का भी अब मौका नहीं मिलता है। आज बड़े दिनों के बाद मेरे को गागरी से पानी भर के लेके जाना पड़ेगा। दीदी लोग और भाभी लोग भी आ गए हैं अब खाना खा के बर्तन वर्तन साफ़ करने के लिए। ये है दोस्तों आठ भाइयों का खेत, सबसे बड़ा खेत, देखो कितने बढ़िया गेहूँ जमे हुए हैं इसमें। चाची लोग भी आ गए दोस्तों बर्तन साफ करने के लिए। ऐसे पानी भरने का मौका अब सालों में मिलता है यार, क्योंकि घर में पानी हो गया और पानी के धारे में अब अंजलि आती है घर के लिए, अब पीने के लिए पानी लेके जाती है। तो यार आज मुझे एक साल के बाद मौका मिला है ये पानी भर के, अपने पुश्तैनी पानी के धारे से पानी भर के ले जाने का, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये है दोस्तों हमारी गांव की बीज वाली बखोई मोहनदा का घर। मोहनदा ने दोस्तों गेहूं डाल रखे सुखाने के लिए। दोस्तों दिल्ली से आज हमारे भाई लोग आए हैं, ये देख सकते हो दोस्तों कमलू भाई, भगू भाई और अजगर है, अजगर अजगर।